नमस्कार दोस्तों, आशा वेल्थ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपने ग्रे मार्केट के बारे में ज़रूर सुना होगा। आज हम आपको आईपीओ ग्रे मार्केट से जुड़े हुए कुछ टर्म्स के बारे में बताएंगे। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें दिए गए कोई भी टर्म्स आप अगर नहीं समझ पाए तो आप पूरी तरह से ग्रे मार्केट को नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले ये ग्रे मार्केट है क्या? जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रे मार्केट के नाम से ही सब कुछ पता चल जाता है कि ये एक अनऑफिशियल और इलीगल मार्केट होती है, और इस मार्केट में होने वाले सौदों को ही ग्रे मार्केट के सौदे कहते हैं। दूसरे शब्दों में आईपीओ ग्रे मार्केट एक अनऑफिशियल मार्केट है, जहां आईपीओ एप्लीकेशन और शेयर्स की खरीद फरोख्त स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग से पहले होती है। किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग से पहले पूरे देश में ग्रे मार्केट के सौदे होते हैं, मगर सबसे ज़्यादा ये सौदे अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा, जयपुर, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और इंदौर आदि शहरों में ही ज़्यादा होते हैं। ये सब सारी डील्स अनऑफिशियल होती हैं और गैर कानूनी भी है, मगर कई वेबसाइट्स, ब्लॉग्स के द्वारा इनके प्रीमियम की जानकारी मिल जाती है, और पूरे भारत के लगभग हर शहर में इनके सौदे धड़ल्ले से होते हैं। ग्रे मार्केट में तीन तरह के सौदे होते हैं। नंबर वन, ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि ग्रे GMP। दूसरे तरह के होते हैं कोस्टक यानी एप्लीकेशन आप सेल कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। और तीसरा है सब्जेक्ट टू अलॉटमेंट। सबसे पहले हम आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बताते हैं। उदाहरण के लिए, किसी कंपनी का आईपीओ का प्रीमियम 100 रुपये चल रहा है और वो कंपनी 500 रुपये के अपर प्राइस बैंड पर शेयर इशू कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पार्टिकुलर कंपनी का कुल भाव अभी 500 प्लस 100 यानी कि 600 रुपये पर शेयर का चल रहा है। आप शेयर खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। रेट्स हर वक्त बदलते रहते हैं और आप अपना सौदा कभी भी स्क्वायर भी कर सकते हैं, मगर डिफरेंस का जो लेन देन होता है ग्रे मार्केट सौदों का, वो लिस्टिंग के बाद ही होता है। उदाहरण के लिए, आपने अगर आज कोई आईपीओ में सौदा ख़रीदा है 100 रुपये का और कल उसका रेट 110 रुपये हो जाता है, तो आप उसे बेचकर स्क्वायर भी कर सकते हैं। आप किसी भी क्वांटिटी में शेयर्स की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी के आईपीओ में लॉट जो है वो 25 शेयर या 50 शेयर का है तो आप 25 या 50 शेयर खरीद बेच सकते हैं। आप 100, 200, 500, 1000 या कितने भी शेयर इस मार्केट से खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। इस तरह ग्रे मार्केट प्रीमियम के अधिकतर सौदे मेन लाइन आईपीओ में ही होते हैं, और जो भी सौदे बच जाते हैं यानी कि अनस्क्वायर्ड सौदे होते हैं सेटलमेंट से पहले, लिस्टिंग से पहले, उनकी लिस्टिंग वाले दिन सेटलमेंट होती है। जो लिस्टिंग का ओपन प्राइस होता है उसको सेटलमेंट प्राइस माना जाता है। उदाहरण के लिए, अगर 650 की ओपनिंग प्राइस है ऊपर दिए गए उदाहरण में, तो 50 रुपये का डिफरेंस बायर को कैश में मिल जाएगा, और अगर आपने 100 रुपये प्रीमियम पर सेल किया हुआ है तो आपको 50 रुपये का नुकसान देना होगा। इन सारी डील्स में कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगती और सारे सौदे नेट के होते हैं। अब आते हैं कोष्टक सौदे पे। दूसरी तरह के सौदों को कोष्टक सौदे बोलते हैं। आप अपने फैमिली मेंबर्स की आईपीओ एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। उन एप्लीकेशन पर कोई या कितनी एप्लीकेशन पर शेयर अलॉट होगा या कितने रिफंड्स होंगे ये आप नहीं जानते, साथ ही कोई भी शेयर कितना ऊपर या नीचे खुलेगा ये भी आपको पता नहीं होता। जो शेयर अच्छे होते हैं जैसे डीमार्ट आदि, इनमें अलॉटमेंट आती नहीं है, और जो ख़राब शेयर होते हैं यानी कि जिस तरह के पिछले दिनों में सीएल एजुकेट और एचपी पावर आदि शेयर आए थे, उनकी अलॉटमेंट हो जाती है, सारे अलॉटमेंट आ जाती है। तो इस तरह से एक आम इन्वेस्टर को फ़ायदा तो होता नहीं है, लेकिन नुकसान ज़रूर हो जाता है। इन सब परेशानी से बचने के लिए आप अपनी एप्लीकेशन बेच सकते हैं और एक फिक्स सेलिंग अमाउंट आपको मिल जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप 5 फैमिली मेंबर्स की एप्लीकेशन आईपीओ में लगाते हैं किसी भी, और उसका सपोज कोष्टक प्राइस 1000 रुपये चल रहा है, तो आप अपनी एप्लीकेशन बेच सकते हैं।
उदाहरण के लिए अगर आपने पांचों एप्लीकेशन 1,000 रुपये में बेच दी हैं और मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट आजकल जैसा कि 15,000 रुपये होता है, इसका मतलब ये हुआ है कि आपको अपनी 75,000 की इन्वेस्टमेंट पर 5,000 रुपये का रिटर्न 12-13 दिनों में ज़रूर मिल जाएगा। जो शेयर्स अगर अलॉट हुए तो वो आपके डीमैट अकाउंट में ही आएंगे और ट्रेडिंग अकाउंट में बिकेंगे, और अगर अलॉट नहीं हुए तो पैसा अनब्लॉक आपके बैंक में ही होगा। अब आपकी इन्वेस्टमेंट और एक्चुअल अमाउंट का लेन देन होगा। आपके पास 80,000 से ज़्यादा का अमाउंट आता है तो आपके बायर आपको बायर को देना होगा, और अगर कम आता है तो बायर आपको उसके बीच का डिफरेंस जो है वो दे देगा। कहने का मतलब ये है कि आपको इस एग्जांपल के अंदर 5,000 रुपये ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा भी नहीं मिलेगा, एक कम भी नहीं मिलेगा। आप कितनी भी एप्लीकेशन खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। बेची या खरीदी हुई एप्लीकेशन पर जो भी शेयर आएंगे वो बायर के ही होंगे और लिस्टिंग वाले दिन ओपन प्राइस पर सेटलमेंट हो जाएंगे। एप्लीकेशन के भाव भी बदलते रहते हैं, आप कभी भी स्क्वेयर कर सकते हैं, यानी कि जो खरीदी हुई हैं उनको बेच सकते हैं, जो बेची हुई हैं उनको खरीद सकते हैं। कोष्ठक के अधिकतर सौदे मेन लाइन आईपीओ में ही होते हैं, क्योंकि एसएमई आईपीओ में मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट काफ़ी होती है, करीबन 1 से 1.5 लाख रुपये तक। ग्रे मार्केट में तीसरी तरह के सौदे हैं जिनका नाम है सब्जेक्ट टू अलॉटमेंट, यानी कि एप्लीकेशन सब्जेक्ट टू अलॉटमेंट। पहले हमने कोष्ठक प्राइस के बारे में जो जो बताया था उसमें और सब्जेक्ट टू अलॉटमेंट में केवल एक अंतर है कि अगर शेयर आ जाते हैं तो ही आपकी डील मैच्योर होगी, वरना नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, यदि आपकी कोई एप्लीकेशन की अलॉटमेंट नहीं आई है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बाकी की सारी बातें कोष्ठक प्राइस की तरह ही होती है, मगर एक बात बता दें कि सब्जेक्ट टू अलॉटमेंट की एप्लीकेशन का रेट कोष्ठक से बहुत ज़्यादा होता है। सब्जेक्ट टू अलॉटमेंट के ज़्यादातर सौदे एसएमई आईपीओ के होते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा, यानी कि कई गुना होने लगा है, जिसके कारण आम जो है उसमें आते नहीं हैं और कोष्ठक एप्लीकेशन कॉस्टली होती है। इसमें एक बात जरूर ध्यान देने वाली होगी, इस बात का याद रखें कि कोष्ठक सौदों में और सब्जेक्ट टू अलॉटमेंट में या जो भी आपके मेन लाइन आईपीओ में जो भी सौदे की अलॉटमेंट आती है, जो शेयर बिकेंगे वो आपके अपने ट्रेडिंग अकाउंट से बिकेंगे और जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा वो आपको देना होगा, बायर उसमें बिल्कुल भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। ये जितने भी ग्रे मार्केट के सौदे होते हैं ये सब अनऑफिशियल और इलीगल होते हैं, और ये सौदे पूरे होंगे या नहीं होंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। छोटे और आम इन्वेस्टर को इन सब से बचना चाहिए। ये वीडियो हम केवल आपकी जानकारी के लिए बना रहे हैं और इसमें किसी भी तरह का प्रलोभन या इंड्यूसमेंट हम आपको करने के लिए ना तो आमंत्रण कर रहे हैं और ना ही एडवाइस कर रहे हैं। आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट्स में दिए गए डिस्क्लेमर को ज़रूर पढ़िएगा। ऊपर दिए दोनों वीडियो आपकी जानकारी के लिए अच्छे सिद्ध होंगे, इन्हें ज़रूर देखिएगा, और आशा वेल्थ के लोगों पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी की सूचना अपलोड होते के साथ ही तुरंत मिल जाएगी नोटिफिकेशन बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।